अयोध्या के राम मंदिर में लगाए जाने वाले ध्वज के डिजाइन में बदलाव किया गया है। अब राम मंदिर के ध्वज पर सूर्य और कुवीदार के पेड़ को अंकित किया गया है। 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 100 ध्वज रीवा से भेजे जा रहे हैं। इन्हें रीवा के हरदुआ गांव निवासी ललित मिश्रा ने तैयार किया है। हाल ही में उन्होंने राम मंदिर के ध्वज का प्रारूप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेंट किया था। 5 सदस्यीय कमेटी ने कुछ परिवर्तन करने का सुझाव भी दिया था। अब नई डिजाइन कमेटी के समक्ष पेश की जाएगी। इसके बाद लंबाई चौड़ाई निर्धारित की जाएगी। ललित मिश्रा ने बताया कि सूर्यवंश का प्रतीक सूर्य है, इसलिए सूर्य को ध्वज में अंकित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख आदरणीय चंपत राय जी को हम लोगों ने जो पहले ध्वज की डिजाइन पेश की थी उसमें उन्होंने कुछ परिवर्तन सुझाए। उन परिवर्तनों के अनुसार डिजाइन में संशोधन करके हम बहुत जल्दी नई डिजाइन उनको पेश करने वाले हैं। और इसमें सूर्य, क्योंकि वो सूर्य हैं तो सूर्य वंश का प्रतीक सूरज भी सामने ध्वज में लगाया जाएगा और कोविदार का वृक्ष दोनों रहेंगे। कोबीदार वृक्ष अयोध्या के राज ध्वज में अंकित होता था। एक तरह से हम कहें कि यह कोबीदार वृक्ष अयोध्या का राज वृक्ष है, जैसे वर्तमान में भारत में हमारा बरगद है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, उसी तरह से ये कोबीदार राज वृक्ष हुआ करता था अयोध्या, इसका महत्व है। और दुर्भाग्य से समय के साथ सनातन की परंपराओं में कोबीदार विस्मृत हो गया, विलुप्त हो गया, उगता है लेकिन इसे लोग पहचानते नहीं है। इसमें दो तरह के अंतर हैं। कुछ लोग इसे पहचानते हैं तो इसके दूसरे नाम कचनार से इसे जानते हैं, जबकि कचनार एक दूसरा वृक्ष होता है। और जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, बॉटनी के, वो भी इसे नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो जब इसको देखते हैं तो इसका जो बॉटनिकल नाम है बहुनिया परफ्यूरिया, तो उस नाम की जगह इसे कचनार के ही बॉटनिकल नेम बहुनिया वेरिगेटा उसके नाम से पहचान कर उसी के गुण लिख देते हैं। तो दोनों के स्तर पर, चूंकि परंपरा से लुप्त हो गया, इसमें दोनों स्तर पर अभी समस्याएं हैं। अब इस शोध के बाद और झंडे लगने के बाद अध्ययन, ये जो दोनों तरह का कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा। इंडिपेंडेंटली जो रिसर्च करते हैं, जैसे आयुष मंत्रालय की शोध है, उन्होंने बहुनिया परप्यूरिया के नाम से पूरी रिसर्च कराई हुई है, लेकिन वो इसको कोविदार नहीं कह पाए। तो इस तरह से अलग अलग स्तर पर संदेह हैं, अब जो हर तरह के संदेह दूर हो जाएंगे। जी, कोविदार वृक्ष त्रेता युग के प्रारंभ में इसकी कहानी शुरू होती है, और ये कहानी मिलती है हमें हरिवंश पुराण में। ऋषि कश्यप ने इस वृक्ष को बनाया और पारिजात श्रेणी के कचनार के वृक्ष में मंदार का सार मिलाकर बनाया। तो इस तरह से ये सबसे पहला हमारा हाइब्रिड प्लांट हुआ विज्ञान की भाषा में, और त्रेता के अंत में भगवान राम हुए। तो इसी बीच अयोध्या ने, क्योंकि इसमें शायद वैज्ञानिकता थी और ये वृक्ष बहुत उपयोगी है स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, हर दृष्टि से उपयोगी है, तो इसे शायद अयोध्या के साम्राज्य ने इसलिए इसे अपने ध्वज का प्रतीक बनाया। रीवा से हम लोग 100 ध्वज देने का हमने प्रस्ताव किया हुआ है, जिसे उन्होंने मान लिया है।